अपना कल्चर, अपनी पहचान, यही तो है पहाड़ी होने की शान। अच्छी लगी ना? अच्छी के बहुत अच्छी लगी लाइन, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली ये लाइन जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने, सब्सक्राइबर क्या, बहुत ही खास सब्सक्राइबर हैं वो, शुरू से ही बहुत साथ दिया है मेरा। मतलब जान पहचान नहीं थी ना, मैं उन्हें इतना अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी दुनिया है जहां हम हर किसी से जुड़ते हैं, हर किसी को जानते हैं, पहचानते हैं। और सच में जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं यूट्यूब पे, जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी फैमिली है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं। और उन्हीं में से एक है जिन्होंने मुझे कमेंट में ये लाइन लिख के दी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर इसे बोलूँगी और बताऊँगी, आपको भी बताऊँगी। और बस बहुत खुशी होती है जब आप ऐसे साथ देते हैं, आप अपना प्यार देते हैं, ऐसे सपोर्ट करते हैं, तो बस प्लीज़ आपके साथ के बिना हम मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जो भी हैं, जैसा भी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, आप ही की वजह से है। बस ऐसे ही साथ देते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और स्पेशली आपका जिन्होंने ये लाइन लिख के दी है, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने सच में शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, बहुत साथ दिया है हर जगह, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, वीडियो पे, स्टोरी में, हर जगह आप मुझे मेंशन करते हैं, शेयर करते हैं। बात शेयर या मेंशन की नहीं है, बात है साथ देने की। बस हमें ऐसे ही अपने, बाकी इंट्रो हमने दिया नहीं आज, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं आपको बताऊं इस बारे में, और मैं मतलब इंट्रो भी नहीं दे पाई। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पहाड़ों की जिंदगी में, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा सेम ही होगा जैसे होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। Extremely annoying shift later. तो सर्दियों का जो मौसम है ना हिमाचल में, वो हो चुका है शुरू, और हमने पहन लिया है अपना गर्म सूट। वैसे आज फिर भी बाहर धूप है, धूप अच्छी लगी बाहर, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, और जाके यहाँ पे भी बड़ी ठंड होती है, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना यहाँ पे भी काफ़ी ठंड है। और मुझे नहीं पता कि हिमाचल के बाकी जगह पे अभी इतनी सर्दी पड़ रही है या नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है सुबह और शाम को, तो भाई इतनी बुरी हालत हो जाती है ना। और दो तीन A few minutes later. अब देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे धूप लगी, लेकिन बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। और हम ऊपर रोड पे पहुँच गए हैं, तो हम वेट कर रहे हैं बस का कि हमें बस मिल जाए, तो आराम से जा सकें। हेलो गाइस, धूप सेक लो। ये लड़की कॉलेज का बंक करके आज मेरे साथ जा रही है, कहाँ डाल रही है, खुद इमोशनल ब्लैकमेल करके बुलाती है ना, फिर बोलती है मैं नहीं आना आज के बाद। तो हमें जो है वो हमारी बस मिल चुकी है और हम चल पड़े हैं, हमें थोड़ा सा आगे जाना है बस में ना, उसके बाद फिर हम पैदल जाएंगे, फिर शायद गाड़ी में जाएं इसके आगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा दूर जाना है। अच्छा, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, वो इस जगह को पक्का पहचान गए होंगे कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, और हमें बस यहाँ से थोड़ा सा कोई 5-10 मिनट का रास्ता है जहाँ से हम पैदल जा रहे हैं अभी, उसके बाद से हम यहाँ से आगे से जाके ना सामने रोड होगी, तो वहाँ से हम गाड़ी में जाएंगे। फिर पता नहीं क्यों मुझे आज यहाँ सब कुछ एकदम शांत लग रहा है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं, जब हम पिछली बार आए तो काफ़ी भीड़ थी उस जगह भी। और हमें जो है वो गाड़ी मिल चुकी है, तो हम आगे तक जहाँ तक मतलब हमें जाना है वहाँ तक हम गाड़ी में जाएंगे। और एक अच्छी बात ये है आज कि आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पता नहीं क्यों सब कुछ एकदम खाली खाली है, ना इतनी गाड़ियाँ ना इतने लोग, नहीं तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे हमेशा, या फिर शायद रीज़न ये है कि हम सुबह सुबह आ गए हैं, हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं, इसलिए आज भीड़ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, नहीं तो ये रोड तो एकदम गाड़ी से भरा हुआ रहता है। क्या कुछ नहीं है, क्या Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. हमें इस पूरे रोड पे एक ही बस ही मिली पहले, अब उसके बाद ये गाड़ियाँ। और जिन्होंने मेरे पहले के ब्लॉग देखे हैं उन्हें पता होगा कि इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ, इस वक्त मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ, तो जगह देख के आप पहचान गए होंगे।
तो हम जो है वो इस टाइम पहुंचे डल लेक के पास। तो हम यहीं से होके जा रहे हैं आगे, और शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो देखते ही आगे हमारा ब्लॉग, और आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। Till I get up, time is barely on our side. और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें जाना है। तो हमें थोड़ा सा आगे जाने बस पहुंच चुके हैं, और शायद आपने पीछे होटल के बाहर लिखा हुआ था तो आपने पढ़ा होगा। तो हम पहुंच चुके हैं नदी, और यहां से जो व्यू दिखता है ना आसपास, ये देखो धौलाधार की हमारी पहाड़ियाँ। और यहाँ पे भी हाल ही में जो है वो बर्फ पड़ चुकी है, पहली बर्फ इस ठंड के मौसम में। अच्छा लग रहा है। तो हमें जो थी वो बनानी थी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस, और हम आए थे नदी में। नदी में है एक लेडीज़, वो बहुत ही प्यारी ड्रेसेस बनाती हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। इनके साथ पहनने वाले कुर्ते वगैरह, दुपट्टे, हर कुछ इतना अच्छा और इतने प्यारे बनाती हैं ना। मतलब ये देखो सामने इतनी प्यारी ड्रेस, ये किसी की शादी की ड्रेस बनाई हुई थी इन्होंने। तो मैंने थोड़ा सा इसमें से थोड़ी सी वीडियो बना ली इसकी, और इतनी प्यारी ड्रेस है ना ये, वाह। मतलब आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। तो हमने भी वो ड्रेस ही बनानी है, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, क्योंकि ऐसे सही नहीं लगता ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना किसी की मर्ज़ी के खिलाफ या किसी को बिना पूछे। तो मैंने ऐसे ही बस थोड़ी सी क्लिप ली थी ताकि मैं आपको बता सकूँ। और अगर आपको भी ये ड्रेस बनवानी है, और ये दुपट्टा, ये ड्रेस यार इतने सही थे ना, क्या बोलूँ। हाँ, अगर आपको भी ये बनवाना है तो आप आराम, आप नड्डी में किसी से भी पूछ दो, इनका एड्रेस आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये यही है जितनी प्यारी ड्रेस बनाते हैं। तो अपना काम ख़त्म करके हम आ गए हैं वापस। बाकी हम जो है वो आए थे नदी, हमें यहाँ पे कुछ काम था, वो वीडियो की क्लिप मैं आपको बीच में डाल ही दूँगी। और बाकी आपको यहाँ का जो व्यू है ना, व्यू पॉइंट मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से सब कुछ बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ से जो व्यू है ना, रुको देख लो पहले। और यहाँ पे चला है दीपिका का फोटोशूट। अगर आप लोगों ने इस जगह को, इस गांव को पहचाना होगा, तो ये गांव है बल गांव। और इसी गांव से होके रास्ता जाता है हमारे गुना टेंपल को, इस गांव से होके यहाँ आगे को। ये हमारे धौलाधार की पहाड़ियाँ,
क्या नड्डी टावर इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास इधर कॉलेज गाना है साइड नड्डी टावर रा इंट्रो तक कराए दे एफिल टावर तो सब भी है जो नड्डी टावर का सीन बने रहे हैं क्या हुआ हैं दीप्ति पूछ अंदर खिंच करे लिटिल लाइट दे दे चान मारी तो एक हाँ दीप्ति हाँ मैंने थी दो बजे पर रखी दूसरे हफ्ते से चलो आती बार जो है वो हम गाड़ी में आए थे और अभी जाती बार हम जाएंगे पैदल क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है हमें तो हम सोच रहे हैं कि पैदल जाएं घूमते घूमते जाएं और जगह को देखते हुए जाएं एंजॉय करते हुए जाएं और ये जगह इतनी प्यारी लग रही है ना कसम से हर कुछ मतलब ऐसे नॉर्मल हम देखें ना तो ठीक लग रही है लेकिन जैसे मैं कैमरे में इस जगह को देख रही हूँ ना तो कुछ अलग सी फील आ रही है और आज मुझे वीडियो शूट करती बार इतनी खुशी हो रही है ना फर्स्ट टाइम क्योंकि हमारे चैनल का नाम है पहाड़ों की ज़िंदगी और मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उन सभी वीडियो में पहली बार किसी वीडियो में मैंने मतलब हमारी किसी वीडियो में इतनी ज़्यादा बार पहाड़ दिखे हैं बर्फ़ के साथ तो अब लग रहा है मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे खड़े होकर कि हाँ स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ों की ज़िंदगी में तो हमारा जो काम था हम उसे कर चुके हैं खत्म आती बार हम सब लोग गाड़ी में आए थे लेकिन अभी हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत बहुत है अभी तक कितना टाइम ये किराया नहीं देना सर ऐसी बात नहीं है यार मेरे शायद ऐसी बात है किराया क्या इधर बस किराया किस चीज़ का देना ना इधर बस से आती ना इधर गाड़ी आती ना जीप पे आती है किराया किस चीज़ का देना है खुद की टांगों का देना है किराया तो फिर आती बार तुम गाड़ी में आए तो हमने सोचा क्यों जाती बार पैदल जाएं और अभी टाइम है टाइम हुआ क्या है 12:54 तू इसके साथ मत घूम रे तू पागल हो जाएगा 54 54 हुए हैं और अभी बड़ा टाइम है अभी हम इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं थोड़े घूमते घूमते जाएं पैदल तो जा लेकिन फिर भी जल्दी जाना पड़ेगा दीपिका को घर जाना है और बस एक ही जाती है हमारे गांव 3 बजे वाली उसे बस लेनी है उस बस में जाएगी ये अंधेरा इधर और धूप नहीं इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है हमारा क्या हमें तो यहाँ से नज़दीक ही है नीचे थोड़ा सा पैदल उतर के पहुँच जाएंगे हम अपने घर लेकिन दीपिका को इसको बस में जाना पड़ेगा इसलिए बस स्टैंड पहुँच के 3 बजे वाली बस लेके वाह अंदर तो नहीं गए और निदा अबे ओढ़ लो तो अंदर तो मैं बोना ही दिमाग खराब अच्छा है मैं तो किसी सर तक घर सी सर कर दिन दे दो है सकल दस लड़क वाली A few minutes later. हरीपी इडी हम कोई चल रहा है साढ़ा मंदरा इस जगह का ब्लॉग तो पहले भी बना ही चुकी हूँ और जो आपने देखा है अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए और हमने सोचा अगर हम यहाँ पे आए ही हैं तो क्यों ना मंदिर का दर्शन करके जाएं और थोड़ा घूम के भी जाएं तो चलिए आप भी हमारे साथ ऊपर खोल लेना एड सब खोल लेना कौन है देखो लेना गैस तभी तो साउंड चांद देवे और बाकी यहाँ पर मैं पहले भी यहाँ का एक अलग से ब्लॉग बना ही चुकी हूँ इस जगह को आप पहचानते ही हैं डल झील शिव मंदिर से आप पहचानते हैं तो मैं ज़्यादा बोलूँगी भी नहीं और बाकी पता नहीं है बाकी मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू बनाऊँगी कि नहीं ये वाला बेस्ट तो बनाऊँगी लेकिन ये वाला ब्लॉग और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बाकी
दिखा देते हैं आपको आसपास, तो वैसे दिखाया ही है लेकिन पैसे आएंगे पैसे मतलब देखिए ये अगर खेलोगी तो खाना खाने में मोमो चाउमिन तो लापड़ा लंच बॉक्स फोन कर रही है ये सब कॉलेज और स्टूडेंट का समझ रहे कैमरा गोरी की सारा लग शुरू थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब